वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की इस वीडियो में आप सब संगतां नाल तवारीख निहंग सिंह पुस्तक का दूजा भाग साझा करांगे, जिसका सिरलेख 96 करोड़ खालसा है। कहते हैं कि इस्लाम धर्म विच बिस्मिल्ला 786 करके लिखते हैं, पर निहंग सिंह एक खास पदवी है जिसनों 96 करोड़ कहते हैं। यह पदवी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल के जथेदार को मिलती है। 96 करोड़ के अर्थ बारे अनेक विचार हैं। कई ने शहीदा सिंह की गिनती 96 करोड़ मनी है। पुरातन सो साखी यह भी लिखा है कि जब खालसे का राज होगा तो खालसे की गिनती 96 करोड़ होगी, उस समय खालसे का राजा 96 करोड़ अखवाएगा। ज्ञानी प्रताप सिंह जी ठठे वाले ने दसिया कि प्यारे भाई दया सिंह जी ने यह बचन सुन के कलगीधर जी ने पूछा कि आप जी ने 96 करोड़ खालसे के होने बारे दसते हो, सिंह तो एक भी नहीं सजदा पिया, जिहड़ा सजदा है उसे तुरक मार देंदे हन। तां कलगीधर जी ने फरमाया कि जब असी 96 करोड़ खालसा सजना होगा तो असी हवा ही ऐसी चला देवांगे जिसनू लगेगी वह सिंह सजदा जाएगा। डॉक्टर तलोचन सिंह जी ने लिखा है कि 96 करोड़ दक्षण के भगतों की एक खास पदवी है, जिहड़ा भगत प्रभु का नाम 96 करोड़ बार जप लैंदा है वह 96 करोड़ अखवाउंदा है। 96 करोड़ बार प्रभु के नाम जपण की विधि संस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक राम रहस्य उपनिषद विच लिखी है। पुरातन गुरु के सिख 96 करोड़ के अर्थ बारे ये भी दसते हैं कि बदलों दियां माला 96 करोड़ हैं। यथा 18 भार बनस्पति मालनी 96 करोड़ मेघ माला पानी हारिया। गुरु का पंथ खालसा 96 करोड़ बदला वांग युद्ध के मैदान में गजदा है, इसलिए खालसे का लकब 96 करोड़ है। खालसे जथेदार 96 करोड़ कहते हैं। कई ने शरीर के रोमां की गिनती 3.5 करोड़ मनी है, कई ने शरीर के रोमां की गिनती 96 करोड़ मनी है। जो रोम रोम नाम जपे, जथा गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, उस महापुरख को 96 करोड़ कहते हैं जिहड़ा कि अपने हर एक रोम नाल हर हर त्यावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।